अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी एंटरटेनमेंट पर आने वाला नया ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, जिसके चंद ही एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन ये जियो का अब तक का सबसे जबरदस्त ड्रामा बनता जा रहा है, जिसके आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे हनान हमजा को बहुत समझाता है और उसे कहता है कि तुम अमल से शादी ना करो, वो लड़की इस घर में आ गई तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता। हमजा दिल ही दिल में ये समझता है कि सब मुझसे जलते हैं और मैंने सबसे बदला ले लिया है, और वो कहता भी है सबसे कि अब मेरी जिंदगी है, मैं ही इसे गुजारूंगा। दूसरी तरफ सारा और हन्नान की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। सारा किसी भी सूरत अबीर को हन्नान से दूर करेगी, ये बात हन्नान नहीं जानता। सारा हर रोज किसी न किसी बहाने से हन्नान को अपने करीब लाती रहती है, और इस सारी प्लानिंग में उसके साथ हमजा शामिल होता है, क्योंकि हमजा यही चाहता है कि अबीर और हन्नान का घर कभी भी आबाद ना हो, और वो अबीर को बर्बाद करने में किसी भी हद तक जा सकता है। हन्नान के दिल में यही डालता है कि अबीर ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, तुम तो उससे शादी करने के लिए राजी ही नहीं थे। और दूसरी तरफ वो सारा को कहता है कि अबीर और हन्नान की शादी जबरदस्ती हुई है, तुम दोनों अभी भी मिल सकते हो, क्योंकि हन्नान तुम्हें अभी भी चाहता है और वो तुम ही से शादी करना चाहता है, क्योंकि हमजा कभी भी अबीर को खुश नहीं देखेगा और ना ही हन्नान और अबीर को एक रहता देखेगा, और अबीर से वो कहेगा भी अब तो तुम्हारा शोहर तुम्हारे हाथ से निकल गया। अबीर ये सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा रोती है और हमजा से कहती है तुमने पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे छोड़कर चले गए, अब जो मुझे मिल गया उसे तो मुझे होने दो मेरा। नाजीन अब आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि हन्नान को अबीर को छोड़ना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।